हेलो फ्रेंड, आज हम लोग द हिंदू 28 फेब 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 9 आर्टिकल्स होगा और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बारे में है, जो कि सीक कर रहा है प्रायोरिटी फॉर DFC। तो पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। पोर्ट्स इन इंडिया टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है, और 200 से भी ज़्यादा माइनर पोर्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट एक इनोर पोर्ट है जो कि मेजर पोर्ट है, वो एक कंपनी के हाथ में है, ठीक है, कंपनी ऑपरेट करता है। फिर रेस्ट ऑफ द पोर्ट है वो ट्रस्ट के द्वारा ऑपरेट होता है अंडर द यूनियन लिस्ट। अंदर ये सारा पोर्ट यूनियन लिस्ट के अंदर में रहता है। एडमिनिस्ट्रेट अंडर द इंडिया पोर्ट एक्ट 1908 एंड मेजर पोर्ट एक्ट ऑफ 1963। सो टोटल 9 स्टेट है जहाँ पर जिसका सीमा समुद्र से लगता है। तो वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो मतलब कि क्षेत्र जो समुद्र से लगता है वो गुजरात का लगता है, फिर आंध्र प्रदेश का, याद रखना। फिर उसके बाद मेजर पोर्ट जो है तुम्हारा नेचुरल पोर्ट, वो मुंबई पोर्ट नेचुरल पोर्ट है, मारमागांव पोर्ट जो कि गोवा में है वो नेचुरल है, वाइजक विशाखापट्टनम पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वो नेचुरल, बाकी सब आर्टिफिशियल पोर्ट है जैसे कांडला इन गुजरात, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई एंड चेन्नई पोर्ट इन तमिलनाडु एंड इनोर पोर्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है, तो तुम्हारा वो पोर्ट मतलब मॉडर्न बिगेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, लार्जेस्ट पब्लिक पोर्ट है। और एक अडानी ग्रुप जो कि मुंद्रा पोर्ट है जो कि गुजरात में है, वो लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है, अडानी के पास है। फिर उसके बाद डेडिकेटेड फ्रिजिट कॉरिडोर DFSC, जहाँ पर रेल कॉरिडोर बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2 कॉरिडोर, एक जो कॉरिडोर है वेस्टर्न DFSC जो कि डेडिकेटेड फ्रिजिट कॉरिडोर है, वो JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इन मुंबई से लेके दादरी नियर द दिल्ली तक जाएगा, ठीक है, वो फॉर द कंटेनर ट्रांसपोर्ट। फिर एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रिजिट कॉरिडोर है DFC जो कि लुधियाना इन पंजाब से लेकर दाकुनी नियर द कोलकाता तक जाएगा, दाकुनी तक, जो कि कोल और स्टील ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब कि रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैप में भी शो किया हुआ ये वाला जो DFC है, ठीक है, DFC डेडिकेटेड फ्रिजिट कॉरिडोर। तो न्यूज़ में क्या है कि वेस्टर्न DFC स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आस्क्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सपेडाइट द प्रोजेक्ट टू गिव प्रेसिडेंसी एंड टू द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाइल लेइंग connectivity to the dedicated rail line, not to give a precedency to the private Mundra port as it would adversely affect the Jawaharlal Nehru port growth prospects. ठीक है, फिर next जो article है वो step forward in a South Sudan. तो साउथ सूडान एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि अपने बाउंड्री शेयर करता है सूडान से, इथोपिया से, फिर उसके बाद केनिया से, उगांडा से और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्वैम्प कॉल्ड सूड इज प्रेजेंट, ठीक है, जो नाइल रिवर बुद्धे से बहता है। रिच इन मिनरल रिसोर्स लाइक पेट्रोलियम, आयरन और PVC। मेजर एथनिक ग्रुप
जो कि डिंका है, ड्यू है, न्यूरो न्यूर है, न्यू या न्यूर है, जांडी है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है कि 1899 से लेके 1955 तक ज्वाइंट ब्रिटिश और इजिप्शियन रूल था, ठीक है। 1955 से सूडान बिकम इंडिपेंडेंट, टू सिविल वॉर होता है 1962 से 72, 1983 से लेकर 2005। 2005 में क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट साइन होता है, और जुलाई 2011 में साउथ सूडान बिकम द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सूडान, जुलाई 2011 में। 2013 में फिर से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट कीर एंड अपोजिशन फोर्स मैच मच्छर कीर जो कि है डिंका ट्राइब है, डिंका कीर जो है डिंका ट्राइब है, और मच्छर जो है वो न्यूर ट्राइब है, ठीक है। पॉलिटिकल फाइट बिकम एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। 2018 में क्या होता है कि रिवाइटलाइज द पीस एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन फोर्स। तो एडिटोरियल क्या बोल रहा है, एडिटोरियल में यह बोल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2018 डील ऑफ पीस स्टॉक इज वेरी स्लो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द यूनिटी गवर्नमेंट इन डिफर्ड, ठीक है। अब वायलेंस हो रहा है जो कि जिसके कारण एम्बार्गो लग गया है आर्म्स का, यूएसए और यूनाइटेड नेशन के द्वारा लगाया गया है। रिपोर्ट बाई UNCHR इन साउथ सूडान, वायलेंस अगेंस्ट द वोमेन, एब्डक्शन ऑफ द चाइल्ड, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, मास माइग्रेशन हो रहा है, नीड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड लेजिटिमेट सक्सेशन मैकेनिज्म, ठीक है। इंडिया साउथ सूडान बायलैटरल रिलेशन क्या है, कैसा है बायलैटरल रिलेशन? तो 2007 में काउंसलर रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया। इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन पेट्रोलियम रिजर्व, लेस बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। इंडिया हैज़ प्रोवाइड डिफेंस पर्सनल फॉर यूनिमिस पीस पीस कीपिंग मिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। फिर उसके बाद FCRA वायलेशन क्या है कि CBI कंडक्ट सर्च इन स्टेट, FCRA वायलेशन CBI कंडक्ट सर्च इन अ स्टेट। तो ये आर्टिकल तुम्हारा पेपर वन में पूछ सकता है प्रीलिम में, और जनरल स्टडी 2 और जनरल स्टडी 3 और 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कि फॉरेन से पैसा आता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू कंसोलिडेट लॉ टू रेगुलेट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटलिटी बाय इंडिविजुअल एसोसिएशंस एंड कंपनीज। प्रोहिबिशन एक्टिविटीज डिटरमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया सब्सिडाइजरी ऑफ द इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन और डोनेशन डिलीवरी और द ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल्स करेंसी और द फॉरेन सिक्योरिटी बाई अ फॉरेन सोर्स और अ पर्सन हु रिसीव इट फ्रॉम द फॉरेन सोर्स। एनी पर्सन जो कि इंडिविजुअल एसोसिएशन और कंपनी का है वो कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू कंडीशन। वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन कंडीशन है क्या कि मस्ट हैव कल्चरल इकोनॉमिकल एजुकेशनल रिलीजियस एंड सोशल प्रोग्राम, ठीक है। ऐसा कोई प्रोग्राम होना चाहिए, कल्चरल या इकोनॉमिकल या एजुकेशनल या रीजनल या सोशल प्रोग्राम होना चाहिए। ऑब्टेन FCRA, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंटर मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर सेंक्शन 3
FCRA. Section 3, judges, government servant, members of any legislature, owner of registered newspaper, etc. are prohibited from reaching foreign contribution. Condition to give permission. क्या कंडीशन है कि द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द पर्सन रेफर्ड इन सब सेक्शन वन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द प्रीजुडिशियली द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया द सिक्योरिटी द सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक scientific or economic interest of the state, the public interest, the freedom and or fairness of election to any legislature, friendly relation with any foreign state, harmony between the religious, racial, social, linguistic, regional group, caste or communities, the acceptance of a foreign contribution referred to the subsection 1 shall not lead to the incitement of any offense, shall not endanger the life or the physical safety of any person. The news kya hai ki US-based NGO, Compassion International Funding NGO in Tamil Nadu funded use for religious convention, ठीक है, 90% of the fund diverted from undeclared purpose, fund diverted to organization not registered under FCRA, ठीक है, CBI or investigating agency of South state government or the distinguished agency for investing the prosecuting FCRA violation. Next article है war of word over a high court judge transfer. ठीक है, अभी high court का judge का transfer किया गया है दिल्ली का. ठीक है, ये current prelim में पूछ सकता है और paper 4 ethic integrity and aptitude में पूछ सकता है. ठीक है, तो प्रेसिडेंट ओवर ऑर्डर्ड द ट्रांसफर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज. क्या है कि अपॉइंटमेंट फॉर द चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. फॉर अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड. The Chief Justice of India must consult the collegium of the two senior most Supreme Court judges for transfer. Qualification, judges का qualification क्या होता है कि citizen of India होना चाहिए और should have held judicial office in the territory of India for 10 years or should have been an advocate of a high court for 10 years. ठीक है, तब जज बनेगा. 10 year क्या होता है कि hold office until he or she attain the age of 62 high court के लिए और supreme court के लिए 65. Can resign by writing to the president. Can be removed by president on the recommendation of the parliament. Judge vacates when appointed as a supreme court judge or transfer in another high court. Removal by president based on the address by the parliament. Procedure removal motion signed by the 100 Lok Sabha member and 50 Rajya Sabha member to the speaker or chairman if admitted speaker chairman constitutes a 3-member committees, Chief Justice of India or the Supreme Court of the judge or a Supreme Court judge, Chief Justice of High Court and the distinguished jurist house consider the motion if committees find the judge guilty.
sorry, guilty. Each house shall pass the motion with a special majority. Address is presented to the president for the removal. President pass the order. ठीक है, president फिर order pass कर देगा removal के लिए. फिर transfer of the judge कैसे होता है कि president transfer the high court judge after consulting the chief justice of India. Important supreme court verdict 1977 transfer is an exceptional measure and is public interest and not as a punishment. 1994 में जजमेंट है जो कि judicial review is necessary to check arbitrariness. ठीक है, 1998 में आया कि Chief Justice of India should consult four senior most Supreme Court judge and Chief Justice of the two High Court involves transfer में. News क्या है कि Supreme Court Collision recommended transfer of three judges including Delhi High Court judge on February 12, 2020. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है बोरिंग ईस्ट जो कि पेपर वन में करंट प्रीलिम में पूछ सकता है, पेपर वन और पेपर थ्री में क्वेश्चन पूछ सकता है. तो क्या है न्यूज़, क्या है कि रिसर्च डेटा ड्यू टू द राइज इन सीजनल टेम्परेचर एंड डिमिनिश्ड रेनफॉल द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज रिड्यूस द हर्बल स्पीसीज इंक्रीज इन द ईस्टर्न घाट. तो प्लांट स्पीसीज का रिड्यूस किया गया, रिड्यूस हो गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, हर्बल स्पीसीज इंक्रीज हो गया ईस्टर्न घाट में. ईस्टर्न घाट 5 स्टेट में फैला हुआ है, नेमली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ठीक है, फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ द ईस्टर्न घाट का क्या बेनिफिट है कि फोस्टरिंग बायोडाइवर्सिटी, मॉडलिंग क्लाइमेट, स्टोर एनर्जी इन ट्रीज, इम्प्रूव एयर क्वालिटी, फूड फ्यूल लाइवली वुड टू द मिलियन, हाउ टू मेक प्लांट एनिमल एंड बर्ड स्पीसीज. ठीक है, फिर कंसर्न क्या है कि मोस्ट एक्सप्लॉयटेड एंड डिग्रेडेटेड इकोसिस्टम हो गया है ईस्टर्न घाट, इंक्रीज इन सीजनल टेम्परेचर, सीजनल टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन द रेनफॉल और ग्लोबल वार्मिंग इन हैज लेड टू द लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल डिग्रेडेशन लीड्स टू लूज ऑफ डाइवर्सिटी, रिडक्शन इन द ट्री कवर, इंक्रीज द हर्ब्स स्पीसीज, इंक्रीज इन इनवेसिव स्पीसीज, कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीजेस, सप्लाई ऑफ द फूड फ्यूल्स मटेरियल्स डिक्रीज. व्हाट शुड बी डन, तो इंडिया इज कमिटेड टू द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट कमिटेड है कि एम टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 trillion टन. ठीक है, कार्बन सिंक करेगा, मस्ट बी प्रायोरिटाइज इम्प्लीमेंटेड, सेटल्ड एग्रीकल्चर शुड बी इनॉर्मस, सेटल एग्रीकल्चर शुड बी इनॉर्मस, एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर्स स्केयर सोर्स मस्ट बी रिड्यूस्ड. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो MH-60R हेलीकॉप्टर के बारे में जो कि US से ले रहा है इंडिया. ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग MH-60R हेलीकॉप्टर. तो दिस इज मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी फोर्स. तो ये बात सही है, दीज आर द मैन्युफैक्चर्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, नहीं ये US से लिया जा रहा है और यहाँ पर नहीं बनता है, उधर से बन के आता है. द हेलीकॉप्टर आर बींग प्रोड्यूस्ड अंडर द ब्लू एंड मेक कैटेगरी ऑफ डिफेंस डिफेंस प्रोक्लेमेंट पॉलिसी ऑफ 2016 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी नहीं सही है. ये भी नहीं सही,
are the multi-role helicopter under the process of procurement from the Indian Army. The next article is that UP Pollution Control Board pulled up the Ganga pledge. तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. क्या बोल रहा है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन इज मोस्ट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर. या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ द dissolve the oxygen needed by the bacteria to decompose the organic water. High blood organ demand increase in high biological oxygen demand indicate that the presence of more dissolved oxygen, which indicate the water body is clean and healthy. The more oxygen dissolved chahiye, yani ki wo water healthy nahi hai. Three option galat ho jata hai. थ्री ऑप्शन गलत हो जाता है तो आंसर निकल गया 1, 2, 4 देख लेते हैं. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD इज द अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीड फॉर द ऑक्सीजन टू टोटल ऑर्गेनाइज मैटर्स बायोडिग्रेडेबल नॉन. यह बात सही है. फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन है पहला कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर डिंका ट्राइब जो साउथ सूडान में बिल्कुल सही है. तुत्सी गुगांडा में नहीं है. तुत्सी है तुम्हें रवांडा और ब्रुनेई में है. ठीक है. फिर उसके बाद रोहिंग्या तो म्यांमार में है. बिल्कुल सही है. कुर्ट्स सीरिया में है और इराक में है. ठीक है. तो ये भी गलत हो जाता है. 4 गलत है और 2 गलत है. ठीक है. 4 और 2 गलत है यानी कि 1 और 3 सही है. तो 1 एंड 3 सही है. तो क्या पूछा है पेयर ऑफ करेक्टली मैच 1 सही है. 1 ले लिया. फिर उसके बाद 3 सही है. 3 ले लिया यानी कि सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि consider the following statement with reference to the port in India. 13 major port of Bilkul Sahi Jawaharlal Nehru Seaport is the modern nature sea port situated in Mumbai. Bilkul Sahi hai. Bilkul Sahi hai. Phir uske baad major port are under the union list of the Indian country. Bilkul Sahi hai. Yani ki option kya hai? 2 wala galat hai. Theek hai. 1 and 3 सही है यानी कि बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज एप्लीकेबल टू एसोसिएट बैंक ब्रांच और सब्सिडियरी आउटसाइड इंडिया ऑफ इंडिया इंडियन कंपनी रेगुलेटेड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. The all prohibition and immunities cartoons or editor of a registered newspaper from the receiving foreign contribution. ये भी सही है. फिर उसके बाद the director of revenue intelligence is the designated agency for the investigation the वायलेंस ऑफ लॉ. ये भी बिल्कुल सही है यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी 1 and 2. द डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज द डेजिग्नेशन एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वायलेशन ऑफ दिस एक्ट. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. फिर लास्ट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इज द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट. नहीं ऐसा नहीं हो सकता. ना इफ दे 100 मेंबर इन लोकसभा इंट्रोड्यूस अ रिमूवल प्रोसेस रिमूवल मोशन द स्पीकर इज बाउंड टू एडमिट द मोशन. बाउंड नहीं होता. रिजेक्ट भी कर सकता है यानी कि 2 गलत है. ठीक है. तो 2 भी ले लो गलत है. द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट
element can be the distinguished is the option of the High Court by the appointed in the judge of the High Court. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों का तीनों गलत है. ठीक है, इसके साथ ये लेक्चर इंड होता है. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.